पाया तेरे, पाया तेरे दर तो मैं शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा। श्री वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की कितनी करुणा, कितनी कृपा, हर पल एहसास करो, है ना, कितनी कृपा है, कितनी करुणा। इतने लोग हर रोज आते हैं, है ना, कितने आनंद से 4 घंटे बैठते हैं। एक बंदा भी साधक हो, एक बंदा भी साधना करे, तो उसके अंदर कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, कितनी वाइब्रेशन है उसकी। और इतने बंदे इकट्ठे मिलकर सुनते हैं, इकट्ठे बैठकर सत्संग कर रहे हैं, कितने मल्टीपल हो जाती है वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी। और फिर निर्भर भी करता है आप कितने भाव से उसका श्रवण कर रहे हैं, आप कितने भाव से करवा रहे हैं। बड़ा प्यारा भाव है आपका, सारे परिवार का। अभी तो महाराज थोड़ा कोविड का चक्कर है, वरना तो यहां तो आपको जगह मिलनी नहीं चाहिए। और बड़ा सौभाग्य है भक्तों के, संतों के चरण घर पर पड़े हैं। और ना जाने कौन किस भाव से आता है, उसकी कैसी दिव्य ऊर्जा है, और कितना उसका आशीर्वाद है, कितना उसकी कृपा है, क्योंकि भक्तों के रूप में भगवान विराजमान है। नारद भगवान से पूछते हैं ना, हे गोविंद आप कहाँ रहते हैं, आपका वास्तविक पता क्या है? तो गोविंद कहते हैं, ना मैं वैकुंठ में हूँ, ना श्वेत द्वीप में, ना क्षीर सागर में, बल्कि जहां पर मेरे भक्तगण इकट्ठे मिलकर मेरा गान करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मैं अपने भक्तों के चित्त में सदा निवास करता हूं। इतने भक्तों के रूप में भगवान आ रहा है, हर रोज बैठ रहा, आनंद ले रहा है, और हर रोज यहाँ उत्सव है, हर रोज एक नया उत्सव है, हर घड़ी में एक उत्सव है, हर क्षण में एक उत्सव है, क्योंकि कृष्ण आए किसी रूप के अंदर। देखो इतने रूपों में कृष्ण ही तो अवस्थित है, कोई कृष्ण किस रूप में किस स्थान से चलकर आ रहा है, कोई कृष्ण किस रूप में किस स्थान से चलकर आ रहा है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों से गोविंद ही उस रूप में विराजमान है, गोविंद ही। इसलिए परम आज 6ठा दिन है। वैसे अक्सर हम भागवत 8 दिन करते हैं, उसका कारण है, कारण क्या है कि जो एक दिन बढ़ाया है वो किस लिए बढ़ाया है, कि जो महारास है उसका आप पूरा आनंद ले पाए। 7 दिन की वजह से वो महारास का आनंद कहीं थोड़ा विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि वैसे तो आप जिंदगी भर बैठे रहो, कथा सुनते रहो, ये तो कथा ऐसी अविरल है, हम जन्म जन्म लेकर भी आए तो उसके बाद भी ये पूर्ण नहीं हो पाएगी, कल कथा पूर्ण नहीं होगी, ध्यान रखना, कल विराम होगी। कई लोग सोचते हैं पूर्ण होगी, कब कब महाराज भोग डलेगा, कोई भोग भोग नहीं डलने वाला, यहाँ केवल विराम है। ये तो महाराज प्रेम की गंगा है, बह रही है, कल यहाँ पर विराम हो जाएगी, फिर किसी और जाकर स्थान पर जाकर बहनी शुरू हो जाएगी, फिर आगे चलती कुरुक्षेत्र पहुंच जाएगी, कहीं से चलते चलते दिल्ली पहुंच जाएगी, फिर कभी वृंदावन जाएगी, कभी फिर पंजाब में आएगी, फिर कभी उत्तराखंड जाएगी, कभी कहीं कभी कहीं, बह रही है बस, ये कभी संपूर्ण नहीं होती। और फिर जाएंगे किस लिए, फिर आए क्यों, ये धारा बहती रहनी चाहिए महाराज। और जब कथा का फल हो तो क्या मांगो भगवान से, हे गोविंद इतनी करुणा आपने की, हमें कथा के बदले में कथा ही दीजिए, हमें साधना के बदले में साधना ही दीजिए, हमें भजन के बदले में भजन ही मिले। आपके भक्तों का, आपके संतों का, आपके महात्माओं का संग हमें सदा मिलता रहे, ऐसी कृपा ऐसी करुणा आप सदा हम पर बरसाते रहिए, सदा बरसात। मारा अरबों खरबों पति बैठे, हुक्म नहीं है उन्हें, हुक्म नहीं है। और जिसको हुक्म हो रहा है वो हर वक्त एहसास करो कितना प्रेम कृष्ण आपसे करते होंगे, तब यहां आए, अन्यथा नहीं आते वो। कोई खास करुणा, और आप सब क्यों आए, हम सब क्यों आए, कोई खास कृपा, कोई खास करुणा है, उसका एहसास। शुक्र गुजारा
तेरा शुक्र गुजारा। उसके हुक्म में सब चलता है। जब जी साहब में गुरु महाराज फरमाते ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, सारी सृष्टि उसके हुक्म में चलती है। चल रही है कि नहीं चल रही? आप पूरा सिस्टम देखिए, एक लय है पूरे सृष्टि के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक रिदम है। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है एंड इट कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स, और अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर इन 24 आवर्स कंप्लीट कर लेती है। हर प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहा है। हर सैटेलाइट अपने अपने प्लेनेट की प्रदक्षिणा कर रहा है। कभी समय चेंज हुआ, कभी परिवर्तन हुआ? एक सिस्टम है, एक लय है सृष्टि का। आपने नोट किया, बिल्कुल सही समय पर, एक निश्चित समय पर हमें नींद भी आती है, एक निश्चित समय पर हमारी जाग भी खुलती है। हम उठना चाहें कि ना उठना चाहें, लेकिन प्रकृति हमें जगाती है, क्योंकि हमारी इस फिजिकली बॉडी का, माइंड का और इंटेलेक्ट का, तीन चीजें हैं ना, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, तो इन सब का, तीनों का संबंध किसके साथ है? नेचर के साथ है, प्रकृति के साथ है। प्रकृति का नियम है भोर हो उठिए और सही समय पर सोना। नोट करना, कभी बिल्कुल सही समय पर व्यक्ति को नींद आएगी, सही समय पर जाग आएगी। हम अपना सिस्टम खराब करना शुरू कर देते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाता है कई प्रकार से। ठीक समय पर, ठीक अंतराल में भूख लगनी शुरू हो जाएगी। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीते, शरीर कुछ मांगेगा, कुछ चाहिए, चाय, दूध, भोजन, कुछ ना कुछ चाहिए। एक एक लय है, एक बॉडी की लय है। सारे शरीर से एक जो गंदा ब्लड है वो हार्ट पर जा रहा है, पंपिंग हो रही है, फिर शुद्ध होके बाहर आ रहा है, एक लय में चल रहा है, एक सर्कुलेशन जो है एक बड़ा सिस्टम सिस्टमेटिकली चलता है। और जहाँ आपकी लय खराब हुई, जहाँ आपका रिदम खराब हुआ, जहाँ आपका प्रकृति के साथ तालमेल थोड़ा खराब हुआ, फिर क्या होगा? शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं? एक यहाँ से, एक पेट से, और तीसरी आपकी विचार शक्ति से। वो कैसे? उसका बहुत बड़ा आपके साथ तालमेल है, बहुत बड़ा तालमेल। हमारा आहार अशुद्ध होगा तो निश्चित है हम बीमार हो जाएंगे। गलत ढंग से खाएंगे, गलत खाएंगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ दिक्कत शरीर में होनी शुरू हो जाएगी। हम गलत खा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, और विचार शक्ति का तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप कैसा सोचते हैं इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ता है, विचार शक्ति का, जो विचार मन में। इसलिए विचारों को शुद्ध रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, हर रोज कह रहा हूँ, कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव खोजने की कोशिश करो, आप रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे, वरना बोझ बढ़ता चला जाएगा। आज दुनिया तनाव में, छोटी सी बात होती है और कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होने, क्योंकि विचार शक्ति का, विचारों का तो सारा खेल चलता है। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है। बच्चा थोड़ी देर लेट हो जाए, शाम को 7 बजे हर रोज आ जाता है और आज थोड़ा लेट हुआ तो बड़ी चिंता होती है। और देखो मजे की बात कि उस चिंता के अंदर पॉजिटिव विचार नहीं आ रहे, नेगेटिव ही आते हैं, एकदम नेगेटिव विचार आते हैं। कहीं मन ये नहीं सोचता, पॉजिटिव नहीं सोच रहा, कोई अच्छा कारण होगा। बुरे ख्याल ज्यादा लोगों के आते हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा खेल लेता है, क्यों लेट हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं हो गया, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहे, जानते कारण क्या है? कारण है एक और खास कारण। आप न्यूज देखते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आपने उसके अंदर क्या पढ़ा, आजकल क्या चलता है न्यूज के अंदर, आजकल क्या चलता है महाराज, आप देखते ही हो, सब गड़बड़ चल रही है संसार की, खबरें इकट्ठी कर रहे हैं और उसमें जितने पन्ने उठा लो न्यूज कैसी होती है, कहीं कत्ल हो गया, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये चीज हो गई, कहीं ये चीज हो गई, कहीं ये घटना घट गई। आप पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ा आपने, 2 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, तो फिर वो छाप आपके मन में कहीं चली गई, चली गई। हमने पॉजिटिव चीजें कम देखी, सुना कम, और नेगेटिव का आप जानते हो इफेक्ट कुछ ज्यादा है। पॉजिटिव बहुत कम अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव बहुत जल्दी कैच कर लेता है। देखो ना, कोई आपके पास आके किसकी चुगली करे, निंदा करे, वो ऐसा है, वो ऐसा, आप बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और कोई आपके पास आकर किसी की प्रशंसा करे, डाउट होता है।
प्रशंसा में डाउट कर रहा है मन और किसी की चुगली में मजे ले रहा है। दो प्रकार की मस्तिष्क होती है, एक साधारण मस्तिष्क, एक मधु मस्तिष्क। साधारण मक्खी कौन? मस्तिष्क माने मक्खी। साधारण मस्तिष्क कौन? जो गंदगी पर भी बैठती है, मल पर भी बैठती है, कूड़े करकट पर बैठती है, और वही मक्खी आपके भोजन पर भी आकर बैठती है। होता है कि नहीं? जोर से बोलो। होता है। वही मक्खी गंदगी पर भी बैठती है और वही मक्खी उसे हमारा भोजन भी स्वाद लगता है। लगता है कि नहीं लगता? उसे मल भी स्वाद लग रहा है, उसे विष्ठा भी स्वाद लग रही है और उसे हमारा स्वादिष्ट भोजन भी स्वाद लग रहा है। और एक होती है मधुमस्तिका, उसे केवल और केवल पुष्पों का मकरंद प्यारा लगता है, उसे केवल रस अच्छा लगता है। ये भेद है। आपको संसार की गंदगी भी अच्छी लगती है, आपको किसी की निंदा चुगली करनी भी अच्छी लगती है और आपको सत्संग में मजा आता है। तो ये लक्षण किसका है? ये साधारण मस्तिका का लक्षण है। लेकिन मधुमस्तिका का लक्षण तो एक ही है, उसे आनंद आता है, रस आता है, तो केवल और केवल प्रभु के भजन में आता है। संसार की चर्चा करने में कोई आनंद नहीं। गोपिकाओं को देखो ना, गोपिकाएं क्या करती हैं? सारा दिन महाराज इकट्ठी होकर कृष्ण चर्चा करती हैं। कोई और ये नहीं, कभी विश्लेषण करना, काम नहीं छोड़ा गोपिकाओं ने, अपना घर बार नहीं छोड़ा, बिल्कुल सुव्यवस्थित है, अपने घर को भी सजाती हैं, गोबर लिपा पोथी सबको जैसे सजावट करती हैं सब करेंगी। लेकिन हर वक्त दधी मंथन भी करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं, माखन बेचने बाजार जाना हो गोपिकाओं को वो भी जाती हैं, इसके अलावा भी भोजन पकाना, जो जो काम आपके हैं वो सब गोपिका करती है। लेकिन तन से वो संसार की सेवा कर रही है और मन कहाँ है? श्री कृष्ण में। कहती है ना गोपिका, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारी कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, अब तो आकर बांह पकड़ लो हे मेरे प्रियतम, अब तो आकर बांध पकड़ लो ए मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही, दासी की प्रभु विने सुनो अब जान के अपनी चेरी, दासी की प्रभु विने सुनो अब जान के अपनी चेरी, दासी की प्रभु विने सुनो अब जान के अपनी चेरी, दासी की प्रभु विने सुनो अब जान के अपनी चेरी, एक बार हृदय से लगा लो हे मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। कुछ गोपिकाओं को स्वाद किसमें आता, आनंद किसमें आता? केवल कृष्ण चर्चा करने में। उनका मन भी कृष्ण के चरणों में अर्पित है, मन से वचन से कर्म से वो केवल और केवल श्री कृष्ण की हैं। घर बार नहीं छोड़ा, कोई काम नहीं छोड़ा, जो सिस्टम घर का था उसे वैसे ही चलाया, बिल्कुल वैसे।
लेकिन अंतर्मन कहाँ लगा रहता है हर वक्त? वो दधि मंथन करती है। अब विचार करो, केवल ये नहीं कि बाहर माखन निकला तब कृष्ण आए, एक मंथन बाहर होता है ध्यान देखिएगा, और एक एक मंथन गोपिका के मन में भी चल रहा है। जब दोनों तरफ माखन आएगा तभी कृष्ण आएंगे। एक तो बाहर भी चलता है, गोपिकाएं ने कुछ पद बनाए हैं कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के प्रेम में, उसे गुनगुनाती रहती है, उन गीतों को गाती रहती हैं, और फिर उसके साथ साथ में मन में कृष्ण चलते रहते हैं। और फिर जो काम करती है वो भी किसके लिए कर रही है? अब दधि मंथन करती है, माखन निकालती है, तो किसकी स्मृति में? वो भी कृष्ण की स्मृति में। मेरा गोविंद आएगा, कन्हैया आएंगे और माखन का भोग लगाएंगे, तो स्मृति में कौन बैठा है? कृष्ण है। रसना प्रणाम किसका है? कृष्ण का है। और जो कर्म कर रही है वो किसके लिए कर रही है? कृष्ण के लिए। एक मंथन बाहर, एक मंथन भीतर, भीतर भी चल रहा है, भीतर भी मंथन हो रहा है मन का, क्योंकि उसके पास मन कहीं, मन की कोई तरंग संसार की चर्चा के लिए नहीं, वो केवल और केवल कृष्ण लीलाओं का चिंतन करती है हर वक्त हर पल। बिल्कुल वही कीजिए, मैंने पहले भी कहा था, घर में रहिए तो इस कदर रहिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मन कहाँ हो? मन अपने प्रभु में हो। कर्म, कर्म पर आप ध्यान दीजिए, आपका हर कार्य भक्ति हो जाएगा, भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा, आपका झाड़ू पुहार करना भी भक्ति हो जाएगा। इसलिए हमारे रसिकों ने स्पष्ट कहा, जब आपका मन कृष्ण भावना में भावित होता है, कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या है? कि मन डूब गया कृष्ण की स्मृति में, बाहर कुछ भी कर रहे हैं आप, जब आपका मन कृष्ण भावना में भावित होता है, उस स्थिति में आपका घर ही मंदिर, आपका घर ही वृंदावन हो गया। और ऐसी पवित्र स्थिति के अंदर आप माला लेकर जाप करते हैं या के बर्तन साफ करते हैं, बातें की है, फिर उसमें भेद नहीं है, उसमें भेद नहीं है, क्योंकि भक्त जो करे। कबीर के पास संत आए और कबीर साहब से पूछते हैं, बोले साहेब बड़ा सुना आपके बारे में, बड़ा नाम है आपका काशी के अंदर और बाहर तक लोग आपको जानते, लेकिन कभी देखते नहीं आपको कि आंखें बंद करके कोई साधना कर रहे हो अलग से। रो पड़ते हैं कबीर, बोले अब तो उठूं तो प्रदक्षिणा, बैठूं तो प्रदक्षिणा, चलूं तो प्रदक्षिणा, खाऊं तो प्रदक्षिणा, कुछ सोचूं तो प्रदक्षिणा, सो जाऊं तो प्रदक्षिणा। माने एक स्थिति ऐसी आ गई है, अब तो मन शरीर सब कुछ अपने गोविंद के, अपने रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो चुका है, अब तो ये शरीर ही मंदिर हो गया, और अब तो जो भी हो रहा है सब उसी, अब क्रिया क्रिया नहीं रही, अब क्रिया क्या हो गई? सेवा हो गई है। एक स्थिति आती है आपकी जिस पर जाने के बाद आप जो करते हैं वो भक्ति ही हो जाएगी, जब आपका मन, आपके अंतर आत्मा कृष्ण की हो गई, उनसे प्रेम हो गया। अच्छा आप कभी नोट करो, दूर हमारा कोई प्रेमी विदेश में बैठा है, आपका पुत्र, पति, कोई रिश्तेदार, कोई खास प्रेमी, कोई खास दोस्त, क्या उस दूर बैठे, विदेश बैठे अपने प्रेमी को याद करने के लिए हमें माला करनी पड़ती है? क्या उसको याद करने के लिए हमें आंखें बंद करके साधना करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। क्या उसको याद करने के लिए आपने कभी जप किया, कभी व्रत रखे कि उसकी याद आ जाए? बोलो हाँ के ना, नहीं, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी उसकी याद बनी हुई है, फिर भी वो हर वक्त याद है। कारण, क्योंकि हमें उससे प्रेम है, और जिससे प्रेम होगा उसे याद करना नहीं पड़ता महाराज, उसकी याद सदा बनी रहती है, सदा वो स्मृति में रहता है। ये प्रेम का प्रताप है, ये प्रेम की करुणा है। जब कृष्ण से प्रेम होगा, गोपिकाओं को क्या है, प्रभु से प्रेम हो गया, और जब प्रेम हो गया फिर उसे याद नहीं करना पड़ेगा, एकांत में बैठकर सोचती नहीं कृष्ण के बारे में, हर वक्त स्मृति बनी रहती है। संसार में भी किसी से प्रेम होता है तो हर वक्त स्मृति बनी रहती है, क्या दिन क्या रात, होता है कि नहीं होता? संसार का एक्सपीरियंस तो हम सबको है ही है, और कम से कम संसार के प्रेम का अनुभव तो सबको है कि नहीं है? तो फिर ये भी खबर है कि संसार में किसी से प्रेम हो जाए तो मन हर वक्त प्रेमी के चिंतन में डूबता है, क्या दिन क्या रात। और अगर वही प्रेम कृष्ण से हो, डूबेगा कि नहीं? कल्पना करके देखो, क्या फिर तुम्हें माला उठानी पड़ती है? अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि माला उठानी नहीं है, सब कुछ है हमारा, सब करो, लेकिन मैंने पहले कहा माला उठानी भी किस लिए? ताकि एक दिन वो नाम आपकी श्वासों पर आ जाए। कब तक उठानी है माला? एक दिन छूट जाए तब तक उठानी है।
छूटेगी। कब? जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सांसों की सिमरूं मैं पी का नाम। मेरे मन की वो जाने और पी के मन की राह, मेरे मन की वो जाने और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। इतना ये सब साधन है महाराज, ये सब ध्यान के साधन है। आप माला उठाकर बैठे हैं, आप आंखें बंद करके बैठे हैं, कीजिए, आवश्यक है। लेकिन ये प्रक्रिया प्रक्रिया ना रह जाए, ये ध्यान रखना, ये कन्वर्ट हो जाए, इसका अभ्यास करो। लेकिन अभ्यास अभ्यास ना रह जाए, अभ्यास आपका स्वभाव हो जाए तब तक कीजिए। आपको आदत हो जाए, हर श्वास को आदत हो जाए, सहज निकले। गोपिकाओं को कोई याद थोड़ी करना पड़ता है महाराज, गोपिकाओं को कोई साधन थोड़ी करना पड़ता है। वृंदावन जाइए, मैंने पहले कहा गोपिका क्या करते, हाथ उठाकर वे मैं गोपाल गोपाल गांधी फिरा अपने प्रीतम नो मनोदी फिरा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जिस गोपिका को आप वृंदावन में देख रहे हैं, वो नृत्य कर रही है, वो रास बिहारी के संग में उस रस में डूब रही है, वो हाथ उठाकर मस्ती में आनंद ले रही है, एक बात मत भूलिएगा, ये गोपिका अपने पूर्व जन्मों में ना जाने कितने हजारों वर्ष साधना करके ही आई है, तब वृंदावन आई। कई बार हमें भ्रम हो जाता है, हम सोचते हैं जो गोपिका अब कर रही है हम वही कर लें, लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा, कृष्ण साधना करता है, गोपिका साधना करती है। यूं ही नहीं आई महाराज, आप कल भी सुन रहे थे कितने वर्ष साधना करने के बाद तब कृष्ण की प्राप्ति हुई है, बिन साधना के कुछ नहीं मिलता। आप जिसको देखिए सब साधना सब तप कर रहे हैं, ब्रह्मा तप के आधार पर ही सृष्टि का निर्माण करता है, विष्णु तप करके ही सृष्टि का पालना करते हैं, शिव साधना में लीन होकर ही सृष्टि के लय का कार्य करते हैं। सबको अपना अपना कर्म मिला हुआ है, लेकिन कर्म करने की ताकत साधना से मिलती है। कर्म करने की ताकत, उसकी प्रेरणा आपको नाम से मिलेगी, जप से मिलेगी, तप से मिलेगी, तपश्चर्या से मिलेगी, तपश्चर्या से मिलेगी।